हेलो दोस्तों, उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में मैं विजय केसर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम देख रहे थे। आज से फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं और अब मेरे सारे वीडियो कंटिन्यू आएंगे। पिछले कुछ समय से व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आज से अपन कंटिन्यू रखते हैं। और जो भी हमसे नया जुड़ा है, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, वह मेरे पूर्व वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आज के वीडियो से स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हम शुरू से पढ़ रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति किन किन अधिकारियों की नियुक्ति करता है। आज हम देखते हैं कि संसद में राष्ट्रपति किन लोगों को या किन सांसदों का मनोनयन करता है, तो वो शक्ति किस में आएगी? मनोनयन की शक्ति, मनोनयन की शक्ति। मनोनयन की शक्ति से मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे अपन, वहाँ पर राज्यों में आएंगे तो वहाँ पर यह शक्ति राज्यपाल के पास होती है। मनोनयन की शक्ति के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में कितने मेंबर को मनोनीत कर सकता है या राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिए, मनोनयन की शक्ति के साथ सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा में मनोनयन। लोकसभा में, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो दो सदस्यों को। कितने सदस्यों को? दो सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। और ये दो सदस्य कौन होंगे? आंग्ल भारतीय। कौन होंगे? ये आंग्ल भारतीय होंगे, आंग्ल भारतीय बोल लीजिए या एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अगर इसको समझेंगे आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन, तो वे अंग्रेज भारतीय जो आज़ादी के समय से भारत में ही रह चुके हैं और यहीं का, यहीं पर निवासरत है, अगर सिंपल वर्डों में देखा जाए तो यहीं की उनकी नागरिकता है, उन दो सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। और आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? दो सदस्यों को। और दो सदस्य कौन होना चाहिए? आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की, राज्यसभा की। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, 12 सदस्यों को। और ये 12 सदस्य कौन होना चाहिए? ये 12 सदस्य साहित्य या पत्रकारिता या सामाजिकता या खेलकूद किसी में भी निपुण व्यक्ति होना चाहिए, उत्कृष्ट क्वालिटी का व्यक्ति होना चाहिए इन सभी में से, चाहे वो पत्रकारिता, साहित्य, खेलकूद, सामाजिक कार्य में। तो उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। क्या कर सकता है? और कार्यकाल उनका वही होगा जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है, जैसे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है सदस्यों का? 6 वर्ष का। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। तो ये मनोनीत सदस्य भी 6 वर्ष, जिस तारीख से मनोनीत होंगे वहां से 6 वर्ष तक ये कार्यरत रहेंगे। और किस अनुच्छेद के तहत अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। वे 12 सदस्य कौन होना चाहिए? तो साहित्य, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य, खेलकूद में निपुण व्यक्ति होना चाहिए, विशेष योग्यता वाला या विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। और अगर अनुच्छेद की बात करेगा तो 83 के तहत, 83 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्लियर? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2। और राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। ये 12 सदस्य कौन होना चाहिए और वो 2 सदस्य कौन होना चाहिए? 2 सदस्य एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय और 12 सदस्य विशेष ख्याति प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो थी राष्ट्रपति की मनोनयन की शक्ति। अगली शक्तियां में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति के बारे में। तो सैनिक शक्ति में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सैनिक शक्ति में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को, सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति में सिर्फ इतना ध्यान रखना, राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है सभी सेनाओं का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा,
सर्वोच्च सेनापति, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति, मतलब सेना की प्रमुख पावर या किसके हाथ में दी गई है? राष्ट्रपति का हाथ में दी गई है। तो सैनिक शक्ति राष्ट्रपति में होती है, निहित होती है। सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट शक्ति में देखते हैं हम अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश ला सकता है और अध्यादेश होता क्या, इस विषय में अपन चर्चा करेंगे। तो अध्यादेश की शक्ति के बारे में देखते हैं हम, अध्यादेश होता क्या है। ये अध्यादेश क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3। ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्टेट में राज्यपाल करता है, यहाँ पर केंद्र में अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 1, 2, 3। अब ये अध्यादेश क्या होता है, कैसे लाया जाता है? तो देखिए, हमें सिंपल वर्डों में ये चीज़ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करेगा, जब जो सदन है स्थगित हो चुका है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, तीन सत्र होते हैं। अगर तीनों सत्रों में बीच में क्या स्थगित रहती है, उस समय कुछ भी सत्र नहीं चलता रहता है, तो उस समय राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे अर्जेंटली या देश में ऐसी कोई विपदा आ गई है कि इसमें कानून बनाना अनिवार्य है, इसी समय तो राष्ट्रपति अपना पावर यूज करता है अनुच्छेद 1, 2, 3 का, और इसके तहत क्या लाता है? अध्यादेश। ठीक, तो हम देखते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत, और कैसे लाएगा? जब सदन स्थगित हो। सदन स्थगित हो, सदन स्थगित हो से मतलब जब संसद में सदन नहीं चल रहे हो, सदन जो सत्र है वो अभी विराम स्थिति में, सत्र नहीं चल रहा है। अगर सत्र चलता तो हमें अध्यादेश लाने की जरूरत ही क्या पड़ती, उसी समय वहां पर कानून लाते और कानून विधेयक या सांसदों के द्वारा पारित होता और यहां पर राष्ट्रपति के पास आता और कानून बन जाता। लेकिन सत्र ही नहीं है, अभी नील है सब कुछ, और आपको राष्ट्रपति को लगता है कि किसी विषय पर हमें कानून अभी यथाशीघ्र बनाना है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 1, 2, 3 का यूज करेगा और क्या करेगा? अध्यादेश के तहत विधेयक पारित होगा। क्या बनेगा? विधेयक बनेगा। अब कैसे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सदन स्थगित होगा उसी समय राष्ट्रपति आपके लिए अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत। अब ये अगर विधेयक बुलाता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 1, 2, 3 का तहत यूज कर राष्ट्रपति विधेयक के लिए बुलाता है अनुच्छेद अध्यादेश, तो होता क्या है इस स्थिति में, जैसे ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 1, 2, 3 को यूज करता है तो इसकी समय सीमा होती है 6 सप्ताह तक। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कितने समय तक ये विधेयक होते हैं, कितने समय तक चलते हैं ये, तो 6 सप्ताह तक। तो देखिए, अभी विराम स्थिति में वो सदन अभी स्थगित है, तभी तो राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ रही है। अब जैसे ही सदन आएगा, सत्र में आएगा, तो जिस विधेयक के लिए हमने अध्यादेश जारी करा है वो विधेयक जो भी सत्र में आएंगे, जैसे कि लोकसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है या राज्यसभा का, तो जो सत्र प्रारंभ होने की तारीख से कितने सप्ताह तक रहेगा? ये 6 सप्ताह तक। सपोज मानिए कि 10 अक्टूबर को लोकसभा वापस सत्र में बैठती है, तो 10 अक्टूबर से हम क्या लेंगे, कितने सप्ताह तक वो जो अध्यादेश के तहत कानून बना है कितने समय तक रहेगा? वो 6 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक। तो क्वेश्चन को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत। कितने समय तक अध्यादेश के द्वारा जो विधेयक बना कितने समय तक रहता है? तो 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक रहता है। और विधेयक या अध्यादेश हम किस स्थिति में राष्ट्रपति नहीं ला सकता है, तो देखिए, जब सत्र चलता रहेगा तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश नहीं ला सकता है, जब सत्र चल रहा हो, सत्र चल रहा हो। अब ये तो इजी हो गया ना, सत्र चल रहा है से मतलब कि अगर सत्र चल रहा है तो अध्यादेश लाने की जरूरत ही क्या है, मतलब सत्र चल रहा है मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों कार्य कर रहे हैं अभी, तो सत्र लाने अध्यादेश लाने की आवश्यकता ही नहीं है जब सत्र चल रहा हो। और दूसरा, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, इन दोनों कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। क्वेश्चन, अध्यादेश के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 1, 2, 3 के तहत कौन ला सकता है? राष्ट्रपति।
ठीक। और राष्ट्रपति कब लाएगा, जब सत्र स्थगित हो, जब सदन स्थगित हो उस समय राष्ट्रपति को अगर कानून बनवाना है किसी भी इमरजेंसी की वजह से तो वह अध्यादेश जारी कर देगा। ठीक। और अध्यादेश की समय सीमा कितनी होती है, तो जब भी सत्र स्टार्ट होगा उस तारीख से कितने सप्ताह तक, तो 6 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक। जैसे कि अगर सदन स्थगित थे और यहाँ पर 10 अक्टूबर को लोकसभा वापस सत्र में आई है, तो 10 अक्टूबर से लेके 6 सप्ताह तक यहां से काउंट करेंगे, लगभग 42 दिन होते हैं 6 सप्ताह में। तो इतने दिन तक आपका अध्यादेश द्वारा जो कानून बनाया गया है वह रहेगा, इसके बाद वह समाप्त हो जाता है। ठीक। और अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी नहीं कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, ऑप्शन में, कि जब सत्र चल रहा होगा, जब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं प्रदान होती है। और राज्य सूची के विषय पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कौन करेंगे, तो राज्यों में राज्यपाल करेंगे। ठीक, समझ गए। तो यहीं पर ध्यान रखिए अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत कौन अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति। और अगर ये 1 को उठा के यहाँ बीच में रख दे, मतलब मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, यहां तो हमने इस राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अगर राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है, तो राज्यों में अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, राज्यपाल। और किस अनुच्छेद के तहत, तो 213 के तहत। राज्यों में अध्यादेश कौन जारी करता है, राज्यपाल। और किस अनुच्छेद के तहत, तो 213 के तहत। ठीक है दोस्तों, अध्यादेश। अगली हेडिंग डालिए परामर्श, अगली हेडिंग डालिए परामर्श, परामर्श। परामर्श मतलब सलाह, और कौन सी सलाह, तो न्यायिक सलाह। अब राष्ट्रपति को किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर परेशानी आती है या समझना होता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। और किससे लेगा, सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किन मामलों में, तो सार्वजनिक महत्व के मामलों में। अगर कोई प्रश्न है जो राष्ट्रपति के सामने आया है और वो गंभीर सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है, तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा, सर्वोच्च न्यायालय से। और ध्यान रखिएगा वहाँ ऑप्शन में उच्च न्यायालय वगैरह भी देंगे, तो हमें किसे टिक लगाना, सर्वोच्च न्यायालय से। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 143 के तहत। यहाँ पर कंडीशन ये भी है कि वह सिर्फ परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस परामर्श को माने या ना माने, ये राष्ट्रपति के विवेक निर्भर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति को अगर सलाह दी गई तो वह मानना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है वीटो का प्रयोग, जो कि सिर्फ और संविधान ने किसे यह शक्ति दी है, तो यह सिर्फ राष्ट्रपति को दी है वीटो का प्रयोग, वीटो प्रयोग। अब यह वीटो क्या होता है, तो बस इतना सा समझिए कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है पारित होकर, केंद्र की बात मानेंगे तो हम लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसकी पूरी जांच करेगा और वहां पर साइन के बाद या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वह विधेयक क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। तो बस वहीं पर उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो वीटो का प्रयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। डेफिनेशन में अगर इसको समझें तो लिखिए, समझिए चीज को, कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर, राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर, राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर अनुमति, अनुमति देने, या तो राष्ट्रपति या तो विधेयक को अनुमति दे देगा कि पारित कर देगा, या अनुमति नहीं देने का। राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को अनुमति देने या न देने, किस सीमा का अभाव रहता है, देने की सीमा का अभाव रहता है।
इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने की सीमा का अभाव रहता है तो राष्ट्रपति तत्काल उसके ऊपर एक अनुच्छेद 111 के तहत क्या कर सकता है, वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन अपना यही आएगा कि वीटो का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से वीटो होते हैं, कितने प्रकार के वीटो होते हैं, तो वीटो होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के वीटो होते हैं। सबसे पहला वीटो होता है अत्यंतिक वीटो। कौन सा वीटो? सबसे प्रथम वीटो होता है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो सबसे पहला वीटो होता है अत्यंतिक वीटो। अब इस वीटो में क्या होता है, दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। और तीसरा वीटो होता है पॉकेट वीटो। यहां पर पहले तो क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वीटो का प्रयोग कर सकता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत। दूसरा क्वेश्चन, वीटो कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के वीटो होते हैं, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। अब आत्यंतिक वीटो में हम शॉर्ट से अगर समझते हैं तो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को नामंजूर कर दिया। क्या करा? नामंजूर करा, लेकिन वो वीटो को वापस पहुंचाया, मतलब विधेयक को वापस पहुंचाया नहीं। तो अत्यंतिक वीटो की डेफिनेशन में हम क्या देखेंगे, अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, नहीं देता, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देना और अपने पास सुरक्षित रखना, और अपने पास सुरक्षित रखना। समझना इस चीज को कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति या तो तत्काल उस विधेयक पर साइन कर दे तो वह कानून बन जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करता है तो कैसे, तीन प्रकार के वीटो। अत्यंतिक वीटो के तहत वह क्या करेगा, अनुमति नहीं देगा और वह लौटाएगा भी नहीं, वह राष्ट्रपति अपने पास ही उसे रखना देगा और ऐसे ही, मतलब यह यहाँ पर ही वो विधेयक जो होता है धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति के पास जो विधेयक आया तो वह अगर राष्ट्रपति को समझ नहीं आता है, समझने से मतलब यह है कि राष्ट्रपति चाहता है कि इसमें कुछ संशोधन हो, तो वह क्या करेगा, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा और पुनर्विचार के पास वापस संसद को भेज देगा, पुनर्विचार के लिए भेजना। शॉर्ट में ध्यान रखें हम तो पुनर्विचार के लिए भेजना किस प्रकार का वीटो है, निलंबनकारी वीटो। पॉकेट वीटो के तहत हम अगर जानते हैं, पॉकेट वीटो क्या होगा कि राष्ट्रपति ना तो अनुमति देता है और ना ही ना तो उसको समाप्त करता है, या तो देखो इस विधेयक के तहत अनुमति नहीं देना तो ना तो इसमें अनुमति देगा राष्ट्रपति, ना तो इसमें अनुमति देगा ना ही उस विधेयक को खारिज करेगा, ना ही खारिज करेगा, समझे जिसको, ना तो उस विधेयक को अनुमति देता है, अगर अनुमति दे दिया तो वो क्या हो जाता है, कानून, और ना ही उस विधेयक को खारिज करेगा, मना करेगा, लेकिन बस ऐसा का ऐसा जो विधेयक आया है अपने पास सुरक्षित रखेगा, अपने पास सुरक्षित रखेगा। पॉकेट वीटो का मतलब ये कि हम समझते हैं चीज़ को कि अपन पॉकेट में कोई चीज़ रख के घूम रहे, वैसे ही राष्ट्रपति ये करता है, ना तो किसी विधेयक पर अनुमति देता है और ना ही उसको खारिज करता है, और बस अपने पास सुरक्षित रखेगा और वैसे ही अपने पास सुरक्षित पड़ा रहेगा, और यह क्या होगा, विधेयक क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। तो कितने प्रकार के वीटो हो गए, तीन, आत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो तो अनुमति नहीं देगा और अपने पास सुरक्षित रखेगा, और अत्यंतिक वीटो मतलब अनुमति नहीं देगा अपने पास सुरक्षित रखेगा, और निलंबनकारी वीटो के तहत वह पुनर्विचार के लिए भेज देगा, और पॉकेट वीटो के तहत क्या करेगा, ना तो वह अनुमति देगा और ना ही उसको पारित करेगा, ना तो वह अनुमति देगा और ना ही उसको खारिज के साथ साथ पारित भी करेगा, ना पारित करेगा, बस अपने पास सुरक्षित रखेगा। तो ये कौन सा वीटो हुआ, पॉकेट वीटो। हमारे जो राष्ट्रपति हैं एक ज्ञानी जेल सिंह,
उन्होंने ही इन तीनों में से एक वीटो का प्रयोग करा था 1986 में डाक संशोधन विधेयक ये लाया गया था उस समय की सरकार द्वारा, और हमारे राष्ट्रपति महोदय थे ज्ञानी जेल सिंह। क्वेश्चन आता है किन राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग करा है, तो वीटो का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने अनुच्छेद 111 का प्रयोग करा, और किस विधेयक पर किया था, किसके ऊपर, 1986 में डाक संशोधन विधेयक के ऊपर उन्होंने कौन से वीटो का प्रयोग करा था, तो पॉकेट वीटो का। किस वीटो करा था पॉकेट वीटो का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, वीटो 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत जो वीटो का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति। वीटो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के वीटो, आत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। ज्ञानी जेल सिंह जो प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो का प्रयोग करा, और कौन से वीटो का प्रयोग करा था।